हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और स्वागत है आप सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट। तो डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है, यहाँ पे कुल मिला के 116 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर यहाँ के लिए निकाली गई है। यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है और यहाँ पे जिनका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम्प्लीट है और BBA, BCom और जिनका ITI कम्प्लीट है, आप सभी के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, सिलेक्शन किस तरह से होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स की और यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस के, और कितना स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान, उसकी भी हम इस वीडियो में जानकारी देखने वाले। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसे कि आप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया चांदीपुर ITR यहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बता रखा है और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कैटेगरी और वैकेंसीज और स्टाइपेंड दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए BBTech यदि आपका CS ITI में कम्प्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए कुल मिला के 11 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो आप देख पा रहे हो ब्रांचेस, ये आपको ध्यान से देखना है। यदि इन ब्रांचेस में से आपका क्वालिफिकेशन डिग्री कम्प्लीट है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे आएंगे हम तो नीचे आप देख सकते हो BBTech के लिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कम्प्लीट है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि इन ब्रांचेस में से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी 11 वैकेंसी है। और यदि गाइस आपका BBTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम्प्लीट है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, लाइब्रेरी साइंस में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, सेफ्टी इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यदि गाइस आपका BBA हुआ है, BCom हुआ है, तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज आप देख पा रहे हो। आपके लिए यदि इसमें से आपका क्वालिफिकेशन कम्प्लीट है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यदि गाइस आपका BBTech हुआ है तो आपको पे 9,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाने वाला है पर मंथ। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी दे रखी है ट्रेड वाइज। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि CS IT के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे 10 वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इस ट्रेड के अंदर। नीचे आएंगे हम तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, तो यदि आपका डिप्लोमा इन फील्ड में कम्प्लीट है तो आपके लिए भी यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई है इस फील्ड्स के लिए। यहाँ पे आपको 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा जिनका भी डिप्लोमा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में आपको सारे डिप्लोमा इन क्वालिफिकेशन में कम्प्लीट रहता है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। आखिरी में देखिए यहाँ पे ITI जिनका हुआ है, जो ITI पास आउट है NCVT एफिलेशन से, तो आपके लिए भी यहाँ पे देखिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये यहाँ पे आपको वैकेंसी आप देख पा रहे हो इन फील्ड्स के लिए निकाली गई है। कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस ऑफ ड्राइव्स, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए। तो इन ट्रेड्स में यदि आपका ITI कंप्लीट है तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस अप्रेंटिसशिप के लिए। नीचे गए कुछ टर्म्स और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए देखिए जितने भी BE, BTech और डिप्लोमा होल्डर्स है, आपका इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। तो कौन सी है वेबसाइट, तो देखिए यहाँ पे नेट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। यहाँ पे आपको एनरोल पे क्लिक करके आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट्स की जो वेबसाइट है इसके लिंक यहाँ पे आपको दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे आपका नाम आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नेट्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है यदि आपने BE, BTech यहाँ पे डिप्लोमा किया है तो। और जितने भी ITI पास आउट है आपको इस वेबसाइट पर यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके, कैंडिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा और फिर ही आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना है। इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको बता रखा है। तो गाइस यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स 2019 में, 2020 में और 2021 में पास आउट हुए हैं, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए। और यदि गाइस यहाँ पे देखिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कम्प्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे बता रखा है। और यदि गाइस आपको ट्रेनिंग या फिर जॉब का एक्सपीरियंस रहता है 1 साल से ज़्यादा का, एक फिर 1 साल का, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने क्वालिफिकेशन तो कर लिया, उसके में आपको एक्सपीरियंस रहता है या फिर कोई ट्रेनिंग रहता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आपको क्लियरली बता रखा है। आपका जो ट्रेनिंग रहेगा अप्रेंटिसशिप का वो 12 मंथ्स का यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सिलेक्ट होते वक्त, ज्वाइनिंग होते वक्त आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगने वाला है, इस तरह से आपको बता रखा है। यहाँ पर नीचे देखिए आपको बता रखा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12th मंथ्स का, तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है इस तरह से। यहाँ पे गाइस आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकती है, अभी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बता रखे कि इंटरव्यू के लिए आप आते हो तो आपको पेन ड्राइव, मोबाइल्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कैमरा, इस तरह की कोई भी चीज़ें लानी नहीं है।
अब इंटरव्यू पर्सनल होगा कि या फिर वर्चुअल, उसके आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर यदि कि आपको अप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन बता रखी है, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लीकेशन करना है, तो अप्लीकेशन की वेबसाइट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। इस वेबसाइट जाके आपको अप्लीकेशन करना है। अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 1 नवंबर 2021 से अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट 15 नवंबर 2021। तो 15 नवंबर से पहले आपको अप्लीकेशन कर लेना है, उसके पहले आपको फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसी के बाद में आपको अप्लीकेशन करना है। और यहाँ पे गाइज आपकी जो जितने भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, रिटर्न टेस्ट की या फिर इंटरव्यू की और आपका कॉल लेटर्स की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो इस वेबसाइट से आपको जुड़े रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आप सभी के लिए। यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो इस वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। नीचे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सिलेक्शन 2 तरीके से बताया गया है, दोनों में से कोई भी एक तरीका यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए, आपके जो परसेंटेज के मार्क्स रहते हैं, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स, उसके परसेंटेज को देखते हुए आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आपका वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो 2 तरीके आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो आपका पे मार्क्स के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उस तरह नहीं होता है तो आपका यहाँ पे पर्सनल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरव्यू होने वाला है, इस तरह से मैं बता रखा है। और उसके उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अप्लीकेशन तो कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट लेते रहनी है वेबसाइट पे से, और इन दोनों में से किसी एक तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो क्लियरली नहीं बताया, लेकिन दोनों तरीके यहाँ पे बता रखे हैं, इसमें से कोई एक तरीका होगा। इसकी अपडेट आपको ईमेल पे मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे भी चेक करते रहना है। और गैस अप्लीकेशन करते हो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना पड़ेगा, तो परसेंटेज किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो देखिए CGPA को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करते हो फिलअप करना है। तो इस तरह से गाइस, यदि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।